हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे, जय मेरे लड्डू गोपाल जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं गाइस अभी ऑफिस जा रही थी क्योंकि रौनक तो स्कूल चला गया, उसको छोड़ आई थी मैं, और अभी बस मैं भी निकलने वाली हूँ। काम मेरा सब खत्म हो गया, ऑफिस जाना है और ऑफिस जाके बस काम करना। तो गाइस, मैं आपको शाम को ज़रूर मिलूंगी क्योंकि ऑफिस में तो नहीं बना सकती व्लॉग, तो घर पे आके जो भी रहेगा मेरा पार्ट पूरे डे का, तो मैं आपको गाइस ज़रूर दिखाऊंगी कि पूरे दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं। गाइस, तो गाइस मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, बस स्टेयर से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट वगैरह बंद रहती है, तो इस वजह से बस मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। तो गाइस मैं घर पे आ गई थी और कुछ नहीं, बस अब काम स्टार्ट करेंगे अपना। बहुत ज़्यादा थक गई गाइस, पूरा दिन एक चेयर पे बैठे रहो, पूरा दिन एक चेयर पे बैठे बैठे कमर तो ऐसे टूट जाती है कि पूछो मत। और साथ में काम करना तो रहता ही है वो, तो इस वजह से थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो सुबह जाओ, पहले काम करो, उसके बाद फिर ऑफिस आके काम करो, फिर घर पे आके काम करो, फिर उसके बाद बाहर का आना, लेके आना सामान, लेके आना, ये करना वो करना, वो सारी चीज़ें ऐड होती है। तो मतलब बड़ी सारी चीज़ें, अभी रौनक भी छोटा है, जिधर रौनक बड़ा हो जाएगा तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी राहत मिल जाएगी कि कोई भी सामान मुझे अगर चाहिए तो रौनक लेके आ सकता है बाहर से। तो बस अभी वही चीज़ है कि थोड़ा अपना मैनेज करना पड़ रहा है, टाइम सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, तो बस उसी में लगे हुए हैं। कुछ नहीं, अब रौनक ने बस इसकी ये खासी ज़रूरत है गाइस कि रौनक चाय बना के पिलाता है मुझे डेली में। तो अब मैंने आई हूँ मैं ऑफिस से, उसने मुझे बोला कि मम्मी कह रहा है कि कैसे हो, मैंने बोला ठीक हूँ, मैंने बोला अब ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड बहुत है, और दूसरी बात ये है कि मैंने कहा चाय बना के पिला दे, तो मुझे कह रहा है मैं रोज़ मैं ही चाय बनाऊँ, तो मैंने बोला हाँ रोज़ तू चाय बनाएगा, तो चाय तो बना देता है वैसे। तो बस उसे चाय बना दी और चाय पी भी ली, हम चाय पी रहे थे अभी देखिए। तो बस अभी चाय पी के बस अपना काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम पे काम ख़त्म हो जाएगा तो टाइम पे सोने का काम भी हो जाता है गाइस। तो बस अभी वही कर रहे हैं। तो ये है मेरा रौनक। और रौनक ट्यूशन हुआ था बाबू? सही है। और स्कूल में खाना खा लिया था? घर पे स्कूल में एक ब्रेड खा ली थी, अच्छा एक ब्रेड क्यों खाई तूने? मन नहीं था। मन नहीं था तो कल क्या लेके जाएगा स्कूल में बता? बनाना जो बनाना, बस आज मन नहीं था इसलिए खाया। अच्छा, पढ़ाई वगैरह हुई थी? सही, ठीक है। ट्यूशन तो गया था ना, क्या पढ़ाया सर ने ट्यूशन में? मैथ्स। तो सही है, प्रैक्टिस करता रहिए बाबू। तो प्रैक्टिस जो मैथ होता है ना, प्रैक्टिस ही मांगता है ना, तो प्रैक्टिस हमने करता रहिए साथ साथ में, ठीक है? चल ठीक है। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, और मैंने तड़का लगा दिया है। बस अभी मटर और आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे मसाले में, उसके बाद पानी डाल के इसको सीटी लगवा दूँगी, मतलब तो 3 से 4 सीटी आएगी तो सब्जी मेरी रेडी है। तो गाइस मेरा रौनक कर रहा है स्कूल का होमवर्क। अब स्कूल का होमवर्क कर रहा है या फिर ट्यूशन का? स्कूल का। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ रौनक की राइटिंग, वो जो पंजाबी में लिख रहा है। रौनक दिखाइए बेटू, खराब ही लिख रहा है, इतना बढ़िया खराब नहीं लिख रहा है। देखिए गाइस ये रौनक की पंजाबी की राइटिंग देख लो, ये बिल्कुल ऐसी पंजाबी लिख रहा है जैसे मेरे पापा और मम्मी लिखते हैं। और गाइस मैं अगर आपको लिख के दिखाऊँ ना तो मेरी राइटिंग तो अजीब सी होगी है शायद से, मैं आपको अभी लिख के दिखाती हूँ गाइस। और ये है इसकी स्कूल की बुक, चलिए क्या लिखा है, वनंगी वनगी वनगी हाँ वनगी वनगी पंजाबी कहानियाँ दिया एकांगी 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 हाँ। तो इसकी ये पंजाबी कहानियों की बुक है। मुझे बुला दिया, मैं कहाँ से लिख रहा था? मुझे बुला दिया, मैंने कहाँ से लिख रहा था तो देखना। हाँ तो मैं भी चलिए एक लाइन लिख के दिखाऊँ मैं कैसे लिखती हूँ पंजाबी में, भूल ना गई हूँ। बाबू एक मिनट दिखाना, इधर तू व्लॉग में ना, मैं देखती हूँ लिख कर क्या लिख रहे हो। मैं लिख रही हूँ अपना नाम, न आकार डंडा म नाम गुर
विंदर, ये व है और ये ई की मात्रा और ये न, द र गुरविंदर ब स र आ का डंडा बसरा। कैसे राइटिंग है मेरी? अच्छी है। और अगर मैं इसको स्पीड से लिखूँ ना तो ये गाइस देखो ऐसे लिखा जाएगा बस विच बैठन पिछों पाली ने मम्मी मेरा क्वेश्चन लिख रही है टिकट लई पैसे कड्डे पैसे कड्डे सही है ना? सही लग रही है। उस दे बार बार कहन दे बावजूद वी एक लाइन लिखते जित ने लैन तो पूरी बुक लिखोगे क्या? लैन तो इनकार कर दिता। तो गाइस प्लीज जिनको पंजाबी आती है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा कि मैंने पंजाबी में जो लिखा है वो मेरी राइटिंग कैसी आई है। ये देखिए मेरा नाम गुरविंदर बसरा और मैंने लाइन लिखी है बस विच बैठन पिछो पाली ने टिकट ली पैसे कड्डे उसने बार बार कहन के बावजूद भी जीत ने लैन तो इनकार कर दिता। तो कैसे किद्दा दी लगी मेरी राइटिंग? चंगी लगी? ठीक है एक बार पंजाबी में बोल के तो बता दे। आती नहीं इतनी अच्छी नहीं आती। तो बोल के तो बताना अब पंजाबी लिख रहा पंजाबी लिख रहा पंजाबी बोलनी नहीं आती। अच्छा किद्दा पंजाबी का पेपर किद्दा दा होया सी? मैं अच्छा होया सी। चंगा होया सी? चंगा होया सी? नहीं आती नहीं आती। चल ठीक है तू काम कर ले। तो गाइस पंजाबी में थोड़ा सा लिख कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने टाइम के बाद लिखने वाला काम तो क्या ही होता है। ऑफिस में भी इतना लिखने वाला काम है नहीं तो जो भी है वो सिस्टम पे काम होता है। ठीक है और अभी आज पंजाबी लिखी तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था स्कूल में बैठी हुई हूँ मैं तो बस अच्छा लगा। और बस अभी काम कर रही हूँ सब्जी मेरी बन गई है और मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने चावल बनाए अपने लिए रौनक के लिए और बड़े भैया के लिए रोटी बनाऊंगी अभी। और कोको पूछी के लिए रोटी तो भैया ही बना देते हैं तो बस अभी भैया से पूछती हूँ कि खाना बना दूँ कि रुक के खाना भी पूछ लेती हूँ उनसे। और गाइस ये देखो कोको क्या खेल रही है? क्या खेल रही है कोको? कोको क्या खेल रही है कोको? देखो 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 कोको खेली खेली कर रही है। कोको क्या खेल रही है? कोको क्या कर रही है कोको? ये ले ये क्या खेल रही है गाइस? मखाना नहीं होता उसके साथ खेल रही है। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? घूम गया वो चप्पल के अंदर चला गया मिलनी रंग ले मैं ढूंढू इधर हट कोकी ले दिखा 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 मुझे दिखा हट हट जा हट ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा आ गया हो गया हो गया हो गया हो गया अभी ले लेना क्या हो गया हले खेल रही है बोल की तरह उसके साथ कोकू। तो गाइस मेरी आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हुई गाइस मेरी सब्जी नहीं बनी है आलू मटर की सब्जी बनी है और मेरे चावल भी बन चुके हैं। ये हो गए हैं मेरे चावल भी रेडी तो मैं खाऊंगी आलू मटर के साथ चावल। भैया ये क्या खा रहे हो आप? ये क्या खा रहे हो? गुड़ खा रहा हूँ। इतना गुड़ का डिब्बा पकड़ के बैठे हुए हो फिर क्या हो गया? मैं भैया वो भाभी बना भी तो करके गई थी ना आपको गुड़ नहीं खाना है। अरे थोड़ा बहुत तो खाना है ना गुड़ तो गुड़ खाना ही ना आपको तो खाने के बाद जब खाते हो आप तो अभी क्यों खा रहे हो? वो तो खाने के बाद ही खा लूंगा। पूरा डिब्बा अपने पास रखा हुआ है गुड़ ऐसे खा रहे हो? अरे खाने के बाद ही खा लूंगा। तो फिर शुगर बढ़ जाएगी आपकी? अरे नहीं बढ़ती मैं शुगर। भाभी आपको बोल के गई है कि परहेज करना थोड़ा सा पीछे से थोड़ा ध्यान रखो ना हमें भी तो आपका ध्यान रखना है। नहीं तुम्हें ध्यान रखना है ना मैं चल थोड़ा खाया है बाकी मैं रोटी खाने बाद खा लूंगा। तुम ऐसे मत खाया करो आप गुड़ वगैरह ना कुछ भी। चल मैं रमेश को रख देता हूं। मैं देखने थी मैं आप बाहर फोन पे बात कर रहे थे मैंने कहा चलो रोटी सब्जी वगैरह मैंने रख दी इसमें इसमें चावल रख दिए और रोटी रख दी उसमें ठीक है। और ये भाभी आपको कितना अच्छा ये हेल्दी फूड रख के गई है आप ये खाओ ना। यही खा रहा हूँ। तो फिर गुड़ क्यों खा रहे हो? नहीं वो तो गुड़ मैं ये इसमें ना वो सीड थे ना हाँ। तो सीड खाते खाते थोड़ा मुंह गड़बड़ हो गया मैं थोड़ा गुड़ खा लेता हूँ इसलिए।
थोड़ा सा परहेज करो, मेरे पीछे सही नहीं है ना, दिक्कत हो जाएगी, फायदा फायदा नहीं है ना कोई। चल फिर मैं जो ललता आई तो खा लूंगा। अब मत खाना गुड़, चल अब नहीं खा रहा, अभी शुगर की गोली खाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चल डब्बा तू रख ले बस, मैं तभी आपको वापस कर दूंगी, ठीक है? अब खाना खा लेना, मैं रख दिया, रख दिया खाना, बस सही है। और ये क्या देख रहे हो? ये वो जो ललता जनक वो देखने सर, दो प्रोग्राम देखने हैं, एक अनुपम और जनक, बस पूरे दिन में। अच्छा, और फिर प्रोग्राम नहीं? हाँ मुझे पता है यार, दो सीरियल तो देखने सर, दो सीरियल बस। सही है, चलो टाइम पास भी हो जाएगा, उसका रोटी खा के सो जाऊंगा बस, ठीक है ना। तो गाइस मैं भैया का गुड़ वाला ये डिब्बा उठा के लेके आ गई हूँ, मैं इसको अपने पास ही रखूँगी ताकि भैया ये दोबारा खा ना सके, जब तक भाभी नहीं आएगी ना अपने पास ही रखूँगी। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, तो भाभी की रसोई में ये देखो ये डिब्बा है, इसमें भी शक्कर पड़ी हुई है, देखो मैंने भैया का गुड़ वाला डिब्बा तो छुपा दिया है, अब वो रात को शक्कर खाने की कोशिश ना करें, इस करके मैं सुबह उनकी जब चाय बनाऊंगी ना तो चाय बनाकर मैं खुद ही उसमें शक्कर डालूंगी, ताकि रात को भैया ये उठा के खाने की कोशिश ना करें, तो ये मैं ले जाऊंगी अपने साथ। अभी चीना आलू मटर बनाए हैं तो ऐसे करना, आलू मटर ले ले साथ में, हाँ। और चावल बनाए हुए, और पापा पीछे से कह रहे हैं दही ले ले, दही ले ले, हल्का सा दही डालू, ऊपर ज्यादा ठंडा होता है ना दही, रात के टाइम थोड़ा सा ही, तो बस वैसे अभी डाले प्लेट में, मैं डाल दूं? नहीं मैं डाल लूंगी, डाल ले जितने डाल ले, ठीक है, थोड़ा सा गर्म करना है ना कटोरी में, गर्म कर लेती, हाँ वैसे कर ले। तो गाइस मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने लगी थी, इनका बिस्तर मैंने बिछा दिया, ये देखिए गर्म बिस्तर है इनका, और साथ में इनको गर्म कपड़े पहना दिए। अब देखो आप, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए ये ऊपर का इनका, ये ऊपर का इनकी जैकेट है, और नीचे देखो इनकी लोअर टाइप बना रखा है, तो प्रॉपर पूरा इनको मैंने कपड़े पहना दिए हैं, अभी इनको सुला दूँगी। लड्डू गोपाल जी को सुला देना ऐसे करके, और साथ में दे देंगे इनके ऊपर ये बैट, बस ऐसे करके सुला देंगे इनको, अब सुबह उठाएंगे। ओके गुड नाइट का, गुड नाइट गाइस कह रही हूँ, सॉरी। ओके गुड नाइट लड्डू गोपाल जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। ओके गुड नाइट गाइस, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल एक नई व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का प्लीज ख्याल रखिएगा, और आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करिए, इसी तरीके से साथ दीजिए। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि बहुत से मेरे YouTube फैमिली में से बहुत सारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आपकी पेमेंट नहीं आई अभी, तो YouTube पेमेंट नहीं आई, तो मैं जिस दिन मेरी पेमेंट आएगी ना गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी नहीं आई, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी मैं क्या ही रीज़न बताऊँ आपको, दिक्कत हो गई, जिसके लिए मैं अब आपको मैं बोलूँगी अगर कि ये हो गया वो हो गया, आप बोलोगे कि भी देखो अपनी कोई ना कोई समस्या लेके बैठे रहती, तो वो मैं आपको साथ वो शेयर नहीं करूँगी गाइस, कि अब जो आगे पीछे हो चीज़ हो चुकी है उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, पर आगे जो चीज़ होनी है उसको हम करेक्ट जरूर कर सकते हैं, तो वो मैंने करेक्शन जो करना था वो कर लिया है, तो आई होप कि मेरी अब नेक्स्ट पेमेंट जल्दी आएगी, तो जैसे ही मेरी पेमेंट आएगी तो गाइस हम आपसे सबसे पहले शेयर करेंगे, क्योंकि वो आपकी आपके साथ के बिना वो अधूरी थी, तो इसलिए तो आपके साथ वो खुशी से शेयर करेंगे, तो जब भी मेरी पेमेंट आएगी, और हम दोनों की जब भी पेमेंट आएगी, क्योंकि मेरे चाइल्ड ने उसमें बहुत अच्छा साथ दिया है मेरा, और ये गाइस शुरू से बचपन से बहुत साथ देता आ रहा है, अभी बहुत बहुत केयरिंग बच्चा है, इसने कभी हमें परेशान नहीं किया, कभी भी परेशान नहीं किया, टचवुड है कि कभी इसने हमें दुखी नहीं करा कि मम्मी ये ले दो, पापा ये ले दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं बोला, और अभी भी इसकी यही चीज़ है, हम पूछते हैं कि मम्मी कर सकते हो, तो कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो ये इसकी
एक अच्छी चीज है। और बाकी प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।